1813 पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि 1528 में बाबर के सेनापति मीर बांकी ने मंदिर तोड़कर अयोध्या में मस्जिद बनाई। 1853 विवाद की शुरुआत 1853 में हुई जब इस स्थान के आसपास पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए। 1859 अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी और मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी गई। 1885 फरवरी 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के उपजज के सामने याचिका दायर कर मंदिर बनाने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। 1949 असली विवाद तब शुरू हुआ जब 23 दिसंबर 1949 को भगवान राम और लक्ष्मण की मूर्तियां विवादित स्थल पर पाई गईं। उस समय हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का आरोप था कि रात में चुपचाप किसी ने मूर्तियां रख दी। उस समय सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 1950 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विषाद नामक व्यक्ति ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने याचिका दाखिल कर पूजा की इजाजत मांगी, जो कि उन्हें मिल गई, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की। 1984 मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी का गठन किया। 1986 फैजाबाद के जज ने 1 फरवरी 1986 को जन्मस्थान का ताला खुलवाने और हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार देने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1990 भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा शुरू की, लेकिन उन्हें बिहार में ही गिरफ्तार कर लिया गया। 1992 यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विवादित स्थान की सुरक्षा का हलफनामा दिया, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कथित रूप से भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने ढांचे को गिरा दिया। देशभर में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे भड़क गए, जिनमें करीब 2000 लोग मारे गए। 2003 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2003 में झगड़े वाली जगह पर खुदाई करवाने के निर्देश दिए ताकि पता चल सके कि क्या वहां पर कोई राम मंदिर था। 2010 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित भूमि को तीन हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा रामलला के पक्षकारों को मिला, दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को, जबकि तीसरा हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिला। 2011 उच्चतम न्यायालय ने 2011 में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 2019 इस बहुचर्चित मामले की सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2019 तक लगातार सुनवाई। अब फैसले का इंतजार। देश का पहला मोबाइल टीवी जो लगातार आपको रखेगा ताजा खबरों से अपडेट, घर से दूर हो या दफ्तर से बाहर, आप कहीं भी हो खबर छूटेगी नहीं। हर मिनट में ताजा हेडलाइंस के साथ राजनीति, खेल, मनोरंजन, लाइफस्टाइल और तमाम दुनिया भर की खबरें। न्यूज 360 डिग्री टीवी 24x7 लाइव टीवी, ब्रेकिंग बाउंड्रीज।